नारायणी सेना द्वारा दक्षिण मुखी श्री सीताराम मणि आश्रम पर नारायण मठ की स्थापना हेतु चल रहे महानारायण यज्ञ के 17वें दिन बाढ़ प्रभावित लोगों को आश्रम में आश्रय दिया गया। वहीं रामानुज ने कहा, माँ यमुना ने खाली कराए अवैध कब्जे और अतिक्रमण। बरसों बाद माँ यमुना अपने प्राचीन घाटों पर आई। वहीं गौ सेवा राष्ट्र की सेवा अभियान के अंतर्गत आश्रम में गौ सेवा हेतु गौ माता का बछिया सहित आगमन हुआ, जिनका नाम गंगा और जमुना है। इस मौके पर शीतल आचार्य ने कहा, बरसों बाद माँ यमुना अपने प्राचीन स्वरूप में आई है और उन सभी प्राचीन घाटों मंदिरों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है जो अतिक्रमण व अवैध कब्जों के कारण प्राचीन घाटों से दूर हो गई थी। उनके आगमन से ब्रजवासी और संत समाज में हर्ष की लहर है। हम सभी ब्रजवासियों को माँ यमुना का स्वागत कर पूजन करना चाहिए। साथ ही माँ यमुना के जल से प्रभावित हुए लोगों को यथाशक्ति सहित एक दूसरे का सहयोग कर मानवता का परिचय देना चाहिए। यही हम सब ब्रजवासियों का कर्तव्य है और हमारी राज्य सरकार से मांग है। आपदा प्रभावित लोगों को जिनकी जान माल की हानि हुई है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे उन्हें जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जयसिंहपुरा खादर से आए बाढ़ प्रभावित लोगों में चंद्रवती, ओंकार सुखदेवी, अजय, विनोद, योगेश, बबलू। यज्ञ में उपस्थित लोगों में रामबाबू शर्मा, जयप्रकाश भारद्वाज, गोपाल शर्मा, इंद्रेश चौधरी, वीरेंद्र चौधरी थे। आपका कैसे क्या रहा, कैसे जमुना माई ने आपको प्रभावित किया? हमारा तो बहन जी जो भी सामान था सारा उसी में डूब गया है, मकान के अंदर ही कुछ बह के निकल गया है और जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब आप सरकार से क्या आग्रह रखना चाहते हैं? सरकार से हम आग्रह यही करना चाहते हैं कि जो भी कुछ सहायता मिले उसके लिए। समस्त मथुरा वासियों को जय श्री राधे कृष्णा। आज जो समय है, जो जमुना माँ ने अपना प्रकोप धारण कर और जो उनके घाटों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे हुए थे, उनको उन्होंने दिखलाया है कि जब जमुना माई अपने स्वरूप में आएंगी तो किसी को भी बख्शेंगी नहीं। इसलिए हम लोगों को इस बढ़ते प्रकोप से ये सीखना होगा कि हमें प्रकृति के संग खिलवाड़ नहीं करना है। साथ ही मैं समस्त मथुरा वासियों और ब्रजवासियों से अपील आग्रह करना चाहूँगी कि माँ यमुना ने जिस प्रकार लोगों को प्रभावित किया है और जिससे जमुना माई के प्रकोप से लोग बेघर हुए हैं, आज हमारे साथ ऐसे ही जयसिंहपुरा खादर से एक परिवार जिनका घर मकान सब कुछ इस जमुना माई के प्रभाव में बह गया है, तो ऐसा ही एक परिवार हम साथ में लेकर आए हैं जिनका सब कुछ पानी में बह गया है। तो मैं सभी ब्रजवासियों से, अपनी सरकार से, जिला प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी कि इनका जो भी नुकसान हुआ है, कृपया कर सभी लोग इनके नुकसान की भरपाई करने के लिए आगे आएँ कि ये अपना जीवन कैसे शुरुआत करेंगे। ये मेरा सभी जनता ब्रजवासियों से और जिला प्रशासन से आग्रह है। नमो नारायण, जय श्री कृष्णा।